स्टूडेंट, आज हम लोग रेशो के ऊपर एनालिसिस करेंगे। करंट रेशो पर वी हैव गिवन द करंट रेशो इन क्वेश्चन 2:1। अब आपने बताना है कि डिफरेंट टाइप के केसेस में आपके करंट रेशो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। रेशो पहले से इंप्रूव होगा, पहले से डिक्रीज होगा या नो चेंज। जैसे हम आपके सामने फर्स्ट आइटम लेके चल रहे हैं, इसने कहा है कि आपने 50 माल खरीदा उधार, तो आपने अपनी तरफ से आइटम माननी है लेट परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट। उधार माल खरीदने से आपकी करंट असेट 2,50,000 हो जाएगी, करंट लाइबिलिटीज 1,50,000 हो जाएगी और आपका करंट रेशियो 1.67:1 हो जाएगा। और आपने इसकी कंपैरिजन 2:1 से करनी है, तो पहले से रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज। हम वैसे सोचे तो ये सोचेंगे जी एक तरफ तो स्टॉक बढ़ गया, एक तरफ करंट असेट्स बढ़ गई, एक तरफ करंट लायबिलिटी, नो इफेक्ट। परंतु रेशियो के बारे में कभी भी ऐसे डिसीजन नहीं लेना, रेशो के बारे में करके देखना है, फिर आपको पता लगेगा डिक्रीज हुआ, इम्प्रूव हुआ या नो चेंज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले से रेशो क्या हो गया, डिक्रीज। इसी प्रकार से अगली आइटम, आपने 50,000 रुपये का माल खरीदा और पेमेंट चेक से की, तो इस ट्रांजैक्शन से आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, वो करंट असेट में ऐड होएगा, बैंक बैलेंस रिड्यूस होएगा, वो करंट असेट में से माइनस होएगा। तो 2,00,000 प्लस में 50,000 माइनस 50,000 करंट असेट हो जाएगी 2,00,000, करंट लाइबिलिटीज हो जाएगी हमारी 1,00,000 और हमारा रेशो हो जाएगा 2:1। पहले भी 2:1 था, नो चेंज। इसी प्रकार से आपने 50,000 रुपये की कीमत का माल 60,000 में बेचा है उधार, स्टॉक कम होएगा 50,000, डेटर बढ़ेंगे 60,000, करंट असेस्ट हो जाएगी 2,10,000, करंट लाइबिलिटीज 1,00,000, रेशियो 2.1:1 और आपका रेशियो पहले से बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से आपने कोई भी फिक्स असेस्ट बेची है, वो लॉस पर बेची है। सपोज करो हमारा फर्नीचर जिसकी वैल्यू क्या थी 50,000, आपने कितने में बेचा, 45,000 में, तो आपकी करंट असेस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैश आने से करंट असेस्ट बढ़ेगी, परंतु जाएगा क्या फर्नीचर, उसको करंट असेस्ट में शामिल नहीं करते, इसलिए हमारी करंट असेस्ट हो जाएगी 2,45,000, करंट लाइबिलिटीज एज इट इज, रेशो हो जाएगा 2.45:1, आपका रेशो इम्प्रूव। आप कोई भी फिक्स असेस चाहे प्रॉफिट पर बेचो, चाहे लॉस पर बेचो, चाहे एट पार बेचो, रेशो क्या होएगा, इम्प्रूव। इसी प्रकार से आपने अपने क्रेडिटर को बीपी दिए, क्रेडिटर को बीपी देने से आपकी करंट लायबिलिटी कम होएगी क्रेडिटर, और करंट लायबिलिटी ही इम्प्रूव होएगी बीपी। एक करंट लायबिलिटी बढ़ गई, एक करंट लायबिलिटी घट गई, करंट असेस्ट में नो चेंज, करंट लायबिलिटी में नो चेंज और आपका रेशो नो चेंज। इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप की पॉइंट्स को लेने हैं। जैसे इसके अलावा भी हम कुछ पॉइंट बताते हैं, इश्यू ऑफ शेयर, आपने शेयर इश्यू किए 50,000 के, उससे कैश आएगा, परंतु लायबिलिटी कौन सी बढ़ेगी, नॉन करंट लायबिलिटी, तो लायबिलिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा और आपका रेशियो इम्प्रूव हो जाएगा। परंतु आपने इश्यू किए हैं शेयर अदर कंसीडरेशन देन कैश, इट मींस आपने 50,000 की मशीन खरीद दी और शेयर इश्यू किए, तो इससे एक फिक्स असेट बढ़ेगी मशीन और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ेगी शेयर, तो आपके रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से आप लोगों ने डिबेंचर इश्यू किए तो आपका करंट रेशियो क्या होएगा, इम्प्रूव।
आपने डिवेंचर इश्यू किए अदर कंसीडरेशन देन कैश नो चेंज। इसी प्रकार से आपने रियलाइजेशन ऑफ द करंट असेस्ट से पैसे प्राप्त किए, फॉर एग्जांपल कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्टोक, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बीआर, तो इससे आपके रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन करके देखने हैं कि आपकी डिफरेंट आइटम से करंट रेशो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और आपने इस पर कमेंट पास करना है। दैट्स ऑल।